17 से 19 नवंबर तक का कार्यक्रम है, तीसरा दिन है, 19 नवंबर है। देखा कि पहले एक गांव में कार्यक्रम किया, अभी ये दूसरा कार्यक्रम है। ये दो बोरी भर के बड़ों के चप्पल है, तो जितने लोग आए उनको ये चप्पल बांटी जाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ बहनों के ड्रेस है, मतलब तो ये पूरा ड्रेस बहनों में बांटा जाएगा। और ये आप देख रहे हो, देखो ये अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, तो ये सर्दियों के कपड़े भी इन लोगों में बांटे जा रहे हैं। ये पूरा टी शर्ट है और जीन्स पैंट है, मतलब एकदम मैचिंग के कपड़े हैं, मतलब एकदम फ्रेश नए कपड़े इन लोगों में बांटे जाएंगे। आप देख रहे हो अलग अलग कपड़े हैं, और ये कंबलों का भी वितरण होगा। हुए आप देख रहे हो, अमित भाई अभी हिंदू धर्म की महिमा बता रहे हैं। अपना अपना धर्म रहीशू, ख्रिस्ती धर्म में जवानो नहीं, अपने हिंदू। तो देख रहे हो अमित भाई गुजराती में इन लोगों को यही समझा रहे हैं कि भाई आप लोग हिंदू धर्म में बने रहो और धर्मों में ना जाओ। देखिए लगातार हिंदू धर्म की महिमा यहाँ समझाते हुए कि विदर्भ में तुरंत आके उनको लालच देके परंतु धर्म परिवर्तन कर देते हैं, बल्कि हम यहाँ आके उनको हम धर्म सिखा रहे हैं। लेकिन बापू के भक्त गांव गांव घूमकर हिंदू धर्म की महिमा बता रहे हैं। अभी ठंड की मौसम आएगी तो ठंड ना लगे, इसलिए इन लोगों को गर्म स्वेटर भी दिया जा रहा है। आप संत आसाराम जी बापू आश्रम के अमित भाई नगद दक्षिणा दे रहे हैं इनको। आप देख रहे हो कि साड़ियों का वितरण हो रहा है, नए पैंट शर्ट दिए गए। आप देख रहे हो गर्म कपड़े, मतलब ये जैकेट है, मतलब सर्दियों के कपड़े भी इन लोगों को बांटे गए, कपड़े दिए गए। और ये बच्ची के माप का ड्रेस है, मतलब कुर्ता है, लेगीज है और चुन्नी है, मतलब पूरा ड्रेस इनको दिया गया। प्रसाद दिया गया, सत साहित्य दिया गया और पैसा दक्षिणा, नगद दक्षिणा भी दी गई। मतलब ये बच्ची को भी देखो कि उसके नाप का है कपड़ा है, गर्म कपड़ा, मतलब यहाँ गुजरात में इसको स्वेटर बोलते हैं, तो स्वेटर दिया गया। फ्रॉक है, तो ये बच्ची के माप का फ्रॉक दिया गया। सत साहित्य, प्रसाद और नान खटे, आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब कितनी खुशी है इन लोगों के चेहरों पे, क्योंकि यहाँ वास्तव में ऐसी गरीबी है, यहाँ कोई मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते और ये जगह पे कोई हिंदूवादी संगठन नहीं पहुँच पाता है। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कैसे बापू के भक्त गाँव गाँव घूम कर इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ग्राउंड जीरो से, वास्तव में क्या होता है ग्राउंड जीरो से, संत आसाराम जी बापू के भक्तों के देवी कार्य लगातार हम हमारी चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो देख रहे हो कि लगातार संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत गुरुकुल और युवा सेवा संघ के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। 17 से 19 नवंबर तक का एक कार्यक्रम है, तीसरा दिन है, 19 नवंबर है। देखा कि पहले एक गांव में कार्यक्रम किया, अभी ये दूसरा कार्यक्रम है। महेश भाई देख रहे हैं कि दूसरे गांव में आए, मतलब कितने गांव रोज के लेते हो? अभी सुबह जो थे 3 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। यहां पे एक गांव है, ये वीरांबा गांव है, यहां पे भी जो लोग इकट्ठे हुए उनको जो भी जरूरत की वस्तुएं वो हम देंगे यहाँ पर। अब बाद भी दूसरा एक गाँव, हाँ उससे भी दूसरा एक गांव है, वहां पे भी जाना है अपने को। फिर उसके बाद मूल चौड़ है, वहां पे भी जाना है। मतलब लगातार ये सामानों का वितरण होगा, बस चालू है, जो भी सामान है सब वितरण करना है। देख रहे हो सूरत गुरुकुल के संचालक महेश भाई ने बताया कि पहला जो गांव था वहाँ 3 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ एक गांव के लोग इकट्ठा हुए, आगे का भी एक गांव है। तो देख रहे हो वहाँ भी जो बटा था, मतलब ये चप्पल है, बच्चों के चप्पल है, बड़ों के चप्पल है, ये बड़ों के चप्पल आप देख रहे हो, और ये दो बोरी भर के बड़ों के चप्पल है, तो जितने लोग आए उनको ये चप्पल बांटी जाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ बहनों के ड्रेस है, मतलब तो ये पूरा ड्रेस बहनों में बांटा जाएगा। और ये आप देख रहे हो, देखो ये अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, तो ये सर्दियों के कपड़े भी इन लोगों में बांटे जा रहे हैं। वहाँ भी हमने देखा था कि कंबल का भी वितरण हुआ था, यहाँ भी कंबल का भी वितरण होगा, सर्दियों का कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये पूरा सेट है, आप देख रहे हो, देखो ये पूरा टी शर्ट है और जीन्स पैंट है, मतलब एकदम मैचिंग के कपड़े हैं, मतलब एकदम फ्रेश नए कपड़े इन लोगों में बांटे जाएंगे। आप देख रहे हो अलग अलग कपड़े हैं, और ये कंबलों का भी वितरण होगा। मतलब लगातार संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल एवं युवा सेवा संघ के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम 17 से 19 नवंबर तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हो काफ़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हो अमित भाई अभी हिंदू धर्म की महिमा बता रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में ही ये वितरण शुरू होगा और जो लोग हैं उनमें अलग अलग वस्तुओं का वितरण यहाँ किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सत साहित्य का वितरण हो गया और अभी ये प्रसाद का वितरण हो रहा है, देख रहे हो लगातार प्रसाद बांटा जा रहा है, नान खटाइयों का वितरण हो रहा है। आप देख रहे हो सत साहित्य बांटा गया, प्रसाद दिया गया गुंदी का, और नान खटाई भी इन लोगों में दी जा रही है। आप देख रहे हो कैलेंडरों का वितरण हो रहा है, आप देख रहे हो के लगातार गरम स्वेटरों का वितरण हो रहा है, गरम कपड़े बोलते हैं हिंदी में,
या गुजरात के अंदर इसको स्वेटर बोलते हैं। तो गर्म कपड़ों का वितरण हो रहा है संतासाराम जी बापू की प्रेरणा से। संतासाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल और युवा सेवा संघ के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। आप देखो, ये छोटी बच्ची को भी स्वेटर दिया गया, आप देखो उसके नाप का स्वेटर दिया गया, और ये बड़े बहन है तो उनको भी मतलब उनके नाप का स्वेटर दिया गया। आप देख रहे हो कि नाप देख के गर्म कपड़ों का ये वितरण हो रहा है। ये नगद दक्षिणा भी यहाँ दी जा रही है, आर्थिक सहायता इन लोगों को दी जा रही है। आप देख रहे हो पैसों का वितरण हो रहा है, आप देख रहे हो नगद दक्षिणा दी जा रही है, आप देख रहे हो कि साड़ियों का वितरण हो रहा है, आप देख रहे हो सभी बहनों को साड़ी दी जा रही है, आप देख रहे हो कपड़ों का वितरण लगातार हो रहा है। पहले साड़ी बांटी गई, अभी ये ड्रेस है मतलब, तो ड्रेस भी लोग दिए जा रहे हैं बच्चों को। आप देख रहे हो साइज वाइज कपड़े का वितरण हो रहा है संतासाराम जी बापू की प्रेरणा से। टी शर्ट है उधर, जीन्स है, मतलब जीन्स टी शर्ट पेंट शर्ट और अलग अलग वस्तु इन लोगों को दी जा रही है। पेंट शर्ट दिए गए, आप देख रहे हो गर्म कपड़े मतलब ये जैकेट है, मतलब सर्दियों के कपड़े भी इन लोगों को बांटे गए। मतलब ये आदिवासी विस्तार पड़ता है, आहवा डांग क्षेत्र के अंदर आता है, दो सूरत से करीबन 200-220 किलोमीटर और आहवा से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आता, ऐसी जगहों पे बापू के भक्त पहुंचे। आप देख रहे हो इनके फटे पुराने कपड़े हैं। तो संतासाराम जी बापू करीबन 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन वहाँ बैठे बैठे भी इन गरीबों का ख्याल रख रहे हैं कि इन लोगों को सर्दी ना लगे और इन लोगों की दीपावली अच्छी मने, इसलिए इन लोगों को सर्दियों के कपड़े, कंबल, साड़ी, बर्तन और मिठाई का वितरण लगातार हो रहा है, और आर्थिक सहायता भी मतलब दक्षिणा भी बांटी गई। तो लगातार संतासाराम जी बापू की प्रेरणा से संतासाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल और युवा सेवा संघ के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि संतासाराम जी बापू के भक्त आदिवासी विस्तारों में पहुँच के क्या सेवा कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो सबको कुछ ना कुछ मिला है, मतलब इन लोगों की दिवाली अच्छी जाए इस निमित्त संतासाराम जी बापू के भक्त गांव-गांव घूमकर, और यहाँ क्रिश्चियन मिशनरिया मतलब ईसाई मिशनरिया हिंदू को इन भोले भाले गरीब आदिवासियों को कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है। तो बापू के भक्त यहाँ पहुँच के इनको ये भी सिखाते हैं कि आप भले संतासाराम जी बापू को ना मानो, आप भले कोई भी हिंदू देवी देवता को मानो, लेकिन ईसाई धर्म में मत जाओ, आप हिंदू धर्म में बने रहो और आप लोगों की दिवाली अच्छी बने। इतनी भी संतासाराम जी बापू पिछले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बैठे बैठे इन गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, और ये सूरत की विविध समिति अलग अलग विस्तारों में पहुंच के इन गरीबों की मदद कर रही है। तो अवश्य वीडियो शेयर कीजिए। जो बापू को गलत बोलते हैं कि आसाराम जी बापू गलत है, तो आपको बता दूं कि यहाँ कोई हिंदू संगठन नहीं पहुंचता, कोई इन लोगों को सरकारी मदद नहीं मिलती, केवल संत आसाराम जी बापू की तरफ से ही ये इनके भक्त लोग आते हैं और इन गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। जो बापू को गलत बोलते हैं उनके मुंह पे एक करारा तमाचा रहेगा ये वीडियो। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ग्राउंड जीरो से, वास्तव में क्या होता है ग्राउंड जीरो से संत आसाराम जी बापू के भक्तों के देवी कार्य, लगातार हम हमारी चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो ये आहवा डांग क्षेत्र का विस्तार है, वहाँ बापू के भक्त पहुँचे और गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। कपड़े दिए और ये बच्चे के लिए जैकेट दिए। अच्छा, तीन जोड़ी कपड़े मिले हैं। कोई और संस्था आती है क्या मदद करने? सरकारी मदद मिलती है क्या? केवल आसाराम बापू के भक्त यहाँ पहुँचते हैं और तुम लोगों को हर दीपावली पे मदद करते हैं। जी, हम सवेरे से लगातार गांव-गांव लोग बोले, पिछले बार भी अपने जो दूसरे गांव में लिया था, अभी ये दूसरा गांव है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दरिद्र नारायण सब आए हैं, उनके हम सेवा कर रहे हैं, अपने गुरुकुल के बच्चे लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। हमें ये जगह जगह पर हम जाएंगे तो हमें यही दिखाई दे रहा है हर जगह की कि ये लोग इतने सरल स्वभाव के हैं कि इनको तुरंत कुछ मतलब निर्भय, हम कई बार भी बोले थे कि विधर्म में तुरंत आके उनको लालच दे के तुरंत धर्म परिवर्तन कर देते हैं, बल्कि हम यहाँ आके उनको हम धर्म सिखा रहे हैं, उनको अपने धर्म की महिमा। और ऐसा नहीं कि हम केवल पूज्य बापू जी के चरणों में, ऐसा है आप जिस धर्म में मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनकी आप पूजा करें, उनके आप भजन करें, उनका जप ध्यान करें, हम वो थोड़ा उनका वो उस तरह से प्रेरणा दे के, और हमको जो जिस जरूरत चीज़ होती है वो हम जैसे देर से कपड़े देखें,
दिए हैं बहनों में, जैसे साड़ियाँ बाटी जैसे आपने देखा ही, तो उस तरह से हम अभी अलग अलग गांव में कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आगे और अगला दूसरा भी गांव जाएंगे। जब से गांव गांव में हम देख रहे हैं कि बेचारे बहुत ही गरीब यहां पर परिस्थिति है और उनको बस केवल जीवन पर भी वस्तु दे दो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपने देखा इन्होंने बताया कि केवल हम इन लोगों को ये नहीं बता रहे कि केवल आप बापू को ही मानो, आप कोई भी हिंदू देवी देवता को मानो, लेकिन बोले हिंदू धर्म में बने रहो। वो बोले 7 सालों से जोधपुर जेल में है, लेकिन बापू के भक्त गांव गांव घूमकर हिंदू धर्म की महिमा बता रहे और हिंदू धर्म की के प्रति इनको जागरूकता ला रहे। आप देख रहे हो कि बुजुर्ग एकदम बुजुर्ग है, आप देख रहे हो इनके पास पहनने लायक कपड़े नहीं। दादा क्या क्या मिला आप, क्या क्या दिया आप, पेंट दिया, शर्ट दिया, प्रसाद दिया, कपड़े दिए, आपको क्या-क्या मिला? पेंट दिया, शर्ट दिया, जर्सी दी। हाँ, कभी कोई और संस्था आके यहाँ मदद करती है? नहीं, आसाराम बापू के आके मदद कर जाते हैं। हाँ, हर दिवाली को आते हैं। हाँ, हर दिवाली को आते हैं। दिवाली अच्छी मने इसकी में। और भगवान के बारे में क्या समझाया इन लोगों ने? इस बारे में राम के बारे में ऐसा समझाया, हिंदू के बारे में ऐसा समझाया, हिंदू धर्म में आप हाँ, बने रहो, यही हाँ, 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 तो सूरत आश्रम के महेश भाई भी है। महेश भाई देख रहे हैं कि गांव गांव घूमकर हिंदू धर्म की महिमा समझा रहे हैं और इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। गांव गांव घूमकर दिवाली मना रहे हैं ताकि जहां पे अभी तक दिए नहीं जल पाए हैं, जहां पे अभी तक वस्त्र नहीं लिए जा रहे हैं, जहां पे अभी तक मिठाई नहीं पहुंची है, ऐसे सभी दरिद्र नारायणों को भोजन प्रसाद वस्त्र मिठाई आदि बांटी जा रही है। दिवाली मनाई जा रही है, बापू के भक्तों की दिवाली। बापू की दिवाली घरों में नहीं होती थी, लेकिन बापू के भक्तों की दिवाली, बापू की दिवाली तो गरीबों के बीच में सदा से होती आई है और सदा से होती रहेगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीढ़ पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। हाँ, तो आप देख रहे हो बच्चों को भी देखो, ये गर्म कपड़े है, गरम कपड़े दिए गए और ये बच्ची के माप का ड्रेस है, मतलब कुर्ता है, लेगीस है और चुन्नी है, मतलब पूरा ड्रेस इनको दिया गया, प्रसाद दिया गया, सत साहित्य दिया गया और पैसा दक्षिणा, नगद दक्षिणा भी दी गई। मतलब ये बच्ची को भी देखो कि उसके नाप का है कपड़ा है, गरम कपड़ा, मतलब यहाँ गुजरात में इसको स्वेटर बोलते हैं, तो स्वेटर दिया गया, फ्रॉक है ये, तो ये बच्ची के माप का फ्रॉक दिया गया, सत साहित्य, प्रसाद और नान कटे। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को भी, मतलब कितनी खुशी है इन लोगों के चेहरों पे, क्योंकि यहाँ वास्तव में ऐसी गरीबी है, यहाँ कोई मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते और ये जगह पे कोई हिंदूवादी संगठन नहीं पहुँच पाता, यहाँ सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, मतलब मदद करने इन लोगों की। तो बापू के भक्त यहाँ पहुँच के इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू इन गरीब लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि इन लोगों की अच्छी दीपावली जाए। ठंड आ रही है तो इन लोगों को ठंड ना लगे, इस निमित्त इन लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे गए। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कैसे बापू के भक्त गांव गांव घूमकर इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, आहुआ डांग से रफ्तार न्यूज़।